Asalaamu As Alaikum, students. Let's start our new unit today. And the title of the unit is The Choice of a Career. Again, written by Professor Abdul Majid Khan. So, uh, let's start. Objectives Explore various options given in reading text. अब टेक्स्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन आपको मिलेंगे टू डिसाइड ऑन अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन रिलेटिंग टू वर्क प्लेस आपने ये सोचना है टेक्स्ट को पढ़ते हुए कि आप क्या करना चाहते हैं आपकी वर्क प्लेस क्या होगी ये कोर्स स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन रिलेटिंग टू वर्क प्लेस डिसीजन डिसाइडिंग विच जॉब टू अप्लाई फॉर ये आप पढ़ेंगे आपके माइंड आपका माइंड क्या बनता है फिर आप उसी को लेके अपना प्रोफेशन चूज़ करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स ना आपको नज़र आएगा एक बच्चा जो कि परेशान है कि वो क्या बने इतने ज़्यादा जब आप ये टेक्स्ट पढ़ेंगे फिर आपके लिए आसान हो जाएगा फैसला करना सो बिफोर स्टार्टिंग इट विच प्रोफेशन डू यू वॉन्ट टू चूज़ And why is the question? Ask from each other which job you want to apply for, which career you want to own, or which profession you want to choose. So, here are in picture different professions, but they all are happy. Okay, so let's start. The prosperity and bright future of a man depends largely on the profession that he chooses. ठीक है एक आदमी का जो है वो bright future इसी चीज़ पर depend करता है कि वो जो profession choose करता है The right choice of a career leads to happy and healthy life. और अगर आप एक सही <coughs> profession चूज़ करते हैं तो फिर क्या होता है आप एक हैप्पी और हेल्दी ज़िंदगी गुजारते हैं पहले हमने देखा कि एक इडल मैन जो है वो बिल्कुल खुश नहीं रहता लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर आप सही प्रोफेशन चूज़ करते हैं जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं आप में जिसमें आप पोटेंशियल है आप उस प्रोफ़ेशन में जाते हैं तो फिर आप एक बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और आप एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं वेयर एज़ द रॉन्ग वन टू ग्लूमी एंड सैड वन लेकिन अगर आप सही प्रोफेशन में नहीं जाते तो हमेशा उदास रहते हैं इट इज़ देअ फोर इम्पेरेटिव फॉर यंग मैन टू केयरफुली चूज़ हिज करियर इसीलिए एक यंग मैन को चाहिए कि वो सोच समझ के एहतियात के साथ अपना करियर चूज़ करें बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट और वो तमाम इन तमाम बातों को लेके कर सोचें जो उसे करना है उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है फिर उसके बाद वो ये फ़ैसला करे कि उसने कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है एंड आफ्टर मेकिंग इट श्योर और जब उसे एक दफ़ा यकीन हो गया that it suits his tastes and talents। उसे जब एक दफ़ा पता चल गया कि ये उसके टैलेंट को और इसके टेस्ट को ये दोनों मैटर करती हैं। हर इंसान डिफरेंट किस्म के नेचर रखता है और उसी नेचर को सामने रखते हुए वो अपना प्रोफेशन चूज करे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रात को देर तक नहीं जाग पाते तो फिर अगर वो किसी ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं जैसे कि पुलिस का प्रोफेशन है या डॉक्टर का प्रोफेशन है जिनको जागना पड़ता है रात को भी ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं तो फिर ऐसे लोगों को मुश्किल होती हैं इसके अलावा आप ये भी सोचें क्या आप इस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं कि आपके लिए पुलिस का प्रोफेशन अच्छा है या आप दूसरी तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं जिसमें आप टीचिंग के शोबे में ज़्यादा अच्छा अपने आप को समझते हैं या फिर आप अपने आप को एज अ डॉक्टर लोगों को ट्रीट करने में और जो है वो या फिर एज अ इंजीनियर आप बिल्डिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो अपने पोटेंशियल्स को अपने सबसे पहले देखना है बिसाइड्स यू शुड कंसीडर द फ्यूचर ऑफ द करियर अच्छा फिर यहाँ पे एक और चीज़ बताई जा रही है कि आपने उस करियर का फ्यूचर भी देखना है एंड नॉट टू ड्रिफ्ट अलोंग द करंट आपने ऐसे ही उस पानी के बहाव में नहीं बहना आपने किसी से सुन लिया भाई डॉक्टर्स का प्रोफेशन अच्छा है मैं तो डॉक्टर बनूंगा आप डॉक्टर क्यों बन रहे हैं ये पहले आप इसको जस्टिफाई करें उसके प्रोज एंड कॉन्स देखें आप अपना टेस्ट देखें अपनी पोटेंशियल्स अपने देखें अपनी कैपेबिलिटीज देखें फिर उसके बाद एक प्रोफेशन का आप फैसला इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी शुड चूज आर प्रोफेशन विद अठ मोस्ट केयर फॉर आर्बिट्री डिशिशंस ऑफन लीड टू डेस्पेयर एंड रोइन इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी शुड चूज आर प्रोफेशन विद अठ मोस्ट केयर बहुत सोच समझ के हम ये फ़ैसला करें कि हमने क्या प्रोफेशन अपना हैना है फॉर आरबिट्री डिशिशंस ऑफन लीड टू डेस्पेयर एंड ड्रोइन और फिर इस तरह की मनमानी वाले फैसले जो है वो आपको कहाँ लेके जाते हैं प्रोइन की तरफ तबाही की तरफ लेके जाते हैं इन द पास्ट द यूथ फॉलोड द प्रोफेशन ऑफ देयर पेरेंट्स पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे अपने पेरेंट्स का जो प्रोफेशन होता था उसी को अडॉप्ट करते थे दे नीडेड नॉट बॉदर दमसेल्व्स विद द थाट्स ऑफ चूजिंग एनी प्रोफेशन वो कभी सोचते ही नहीं थे कि उन्होंने कोई और प्रोफेशन भी वो किसी और प्रोफेशन में भी वो जा सकते हैं या और कौन सा प्रोफेशन है जिसमें वो अपने आप को फिट समझते हैं कभी ऐसा सोचते ही नहीं थे अ मर्चेंट सन वुड बिकम अ मर्चेंट ताजर का बेटा ताजिर एंड अ अ कॉबलर। मोची का बेटा हमेशा मोची ही बनता था बट नाउ द सोशल कंडीशन हैव कम्प्लीटली चेंज आप क्या है हमारे माशरे में कंडीशन जो है वो मुसल मुस्तकिल तौर पर चेंज हो गए हैं मुकम्मल तौर पर चेंज हो गए हैं द कल्चर ऑफ़ डेमोक्रेसी हैज़ चेंज द माइंड सेट एंड आउटलुक ऑफ़ द पीपल जब डेमोक्रेसी आ गई तो उसमें आपकी अपनी मर्जी को जो है वो फोकियत मिल गई जब आपके पास चॉइस हो गया कि आप अपनी मर्ज़ी से चुने तो फिर क्या हुआ लोगों के ख़यालात भी बदलने शुरू हो गए टुडे एवरी इंडिविजुअल टेंड्स टू चूज़ अ प्रोफेशन ऑफ़ हिज़ ओन चॉइस आजकल जो है वो हर इंसान क्या समझता है अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज़ करना चाहता है आजकल हर कोई इंसान हर एक हाउ एवर द कल्चर ऑफ़ चूजिंग अ अटटेबल करियर दैट कोड गारंटी आर रिस्पेक्टेबल पोजिशन इन द सोसाइटी इज़ नॉट दैट ईजी लेकिन ये इतना आसान नहीं है आपने एक सूटेबल करियर भी चूज़ कर लिया और आपको ये गारंटी भी मिल जाए कि आपकी जो है वो पोजिशन एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन होगी सोसाइटी में ये इतना आसान नहीं है इट रिक्वायर्स अ क्लियर विजन एंड फार साइटेडनेस आपने उसमें बहुत होमवर्क किया हो आपका विजन क्लियर हो आपकी सोच क्लियर हो और फिर फार साइटेडनेस विच इज कॉमन अमंग द यूथ और उसके अलावा आप जो है वो वो दूर रस नतज भी देख सकें किसी प्रोफेशन के इट इज़ देर फो नेसेसरी फॉर देम टू कंसल्ट देर एल्डर एल्डर्स एंड स्पेशलिस्ट आज कल ये चीज़ जो है वो ये फार साइटेडनेस या उस चीज़ का विज़न यूथ में इतना कॉमन नहीं है उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर उनको अपने बड़ों से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए उनसे मशवरा ज़रूर लेना चाहिए एंड स्पेशलिस्ट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन वो कोई भी फ़ैसला करने से पहले स्पेशलिस्ट को भी जो है वो कंसल्ट करें यंग मैन हैज़ टू कीप हिमसेल्फ अरेस्ट ऑफ न्यू ट्रेंड्स नॉट ओनली हिज सोसाइटी बट इन द होल वर्ल्ड एज वेल और एक जो यंग मैन है उसको जो है वो ना सिर्फ अपने आप को न्यू ट्रेंड्स से वाकिफ होना चाहिए उसको सोसाइटी में बल्कि हो पूरी दुनिया में भी कि आजकल कौन से प्रोफेशंस हैं लोग कहाँ जा रहे हैं कौन सा प्रोफेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है और कहाँ फिर उसको पता चलता है लोगों का आजकल माइंडसेट क्या बन रहा है तो उसको जो है वो ये जो आजकल की के मॉडर्न ट्रेंड्स हैं उससे जो है वो उसको वाकिफ़ होना चाहिए वन थिंग डैट ही शुड कीप इन हिज माइंड एक चीज़ जो कि उसके जहन में हो इज़ दैट ही शुड नाट जस्ट कंसिडर द मटीरियल बेनिफिट्स उसे सिर्फ मटीरियल बेनिफिट्स का जो है वो नहीं सोचना चाहिए कि इस प्रोफेशन में इतने पैसे हैं इस वजह से दैट अ करियर में प्रोवाइड हिम बट ऑल्सो सी इफ़ हिज टेस्ट एंड टैलेंट्स मैच इट बल्कि उसका टेस्ट उसका टैलेंट भी उस चीज़ से मैच करे सिर्फ वो पैसे कमाने को अपना मैार ना बनाए बल्कि वो अपने अंदर भी देखे कि क्या ये प्रोफेशन मुझे सूट करता है कि नहीं इट डजेंट मीन दैट ही शुड टोटली इग्नोर द फाइनेंशियल आस्पेक्ट ऑफ हिज करियर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो ये ना सोचे कि इसमें कितने पैसे आते हैं नहीं उसने ये बात भी सोचनी है लेकिन ये भी उसका एक पार्ट है और ये भी उसका एक हिस्सा है कि पहले वो अपने अंदर वो पोटेंशल्स देखे कि क्या ये करियर मुझे सूट करता है अ पर्सन कैन नाट लिव थ्रू लाइफ बाई होल्डिंग ऑन हिज टेस्ट सारी जिंदगी आप अपने टेस्ट को ले कर नहीं गुजार सकते आप अपनी चॉइस को ले कर नहीं गुजार सकते ही हैज़ टू अर्न अ रिजनेबल अमाउंट ऑफ मनी टू लीड अ डिसेंट लाइफ अगर वो अपनी मर्जी से कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ करता है जिसमें मोनिटरी बेनिफिट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं तो ये अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगा क्योंकि आपको जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है फॉर एग्ज़ाम्पल यंग बॉय अब एक एग्जाम्पल उन्होंने दी है ऑथर ने अ यंग बॉय हु हैज़ अ टैलेंट एंड टेस्ट फॉर म्यूज़िक एंड स्कल्पचर अगर कोई यंग सा आदमी है और उसका टेस्ट क्या है म्यूज़िक में कि उसको म्यूज़िक बहुत पसंद है कि वो म्यूजिशियन बनना चाहता है या स्कल्पचर तो फिर डिसाइड्स टू बिकम अ प्रोफेशनल म्यूजिशन और वो चाहता है कि वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन बने और अ स्कल्प्टर इज़ लाइक टू रिपेंट लेटर लेकिन एज अ प्रोफेशन अगर वो म्यूज़िक को अडोप्ट करता है या, sculptor को, या वो स्कल्प्टर बनता है तो फिर क्या होगा इज़ लाइकली टू रिपेंट लेटर बाद में वो पछताएगा एंड गेट फ्रस्ट्रेटेड वेन ही फेल्स टू अर्न क्यों वो पछताएगा क्योंकि जब ई फेल्स टू अर्न हिज लिविंग थ्रू दीज करियर्स जब उसके पास पैसे नहीं होंगे जब ये करियर उसके लिए पैसे नहीं लेके आएगा तो फिर वो पछताना शुरू हो जाएगा ही मे चूज़ सच थिंग्स एज अ हॉबी अब अगर उसका टेस्ट इसमें डेवलप है उसको ये चीज़ें पसंद है तो वो एज आ हॉबी उनको ले सकता है एज आ प्रोफेशन नहीं हॉबी तो ये है कि आपका जो पार्ट टाइम है उसमें आप वो टाइम उस पर लगा सकते हैं लेकिन करियर तो आपका वो आपके लिए जो है वो अर्निंग लेके आता है आप अपना लिविंग स्टाइल आपका टोटली totally उस पर डिपेंड करता है तो एज अ करियर अगर आपने बना लिया तो ऑब्वियसली उसमें इतने पैसे आपके लिए नहीं आएंगे और फिर क्या होगा आप बाद में बचताएंगे फॉर यू मे फाइंड हेयर एंड देयर मैनी केसेस ऑफ सच प्रोफेशनल्स आपको हर जगह पर इस तरह के प्रोफेशनल्स नज़र आएंगे बिकमिंग पैनीलेस एंड डस्टिट्यूट इन द एंड बाद में जाके वो मोफलेस और कंगाल बन जाते हैं ऐसे बहुत से प्रोफेशनल्स हैं जो कि शुरू में किसी ऐसे प्रोफेशन में चले जाते हैं जहाँ पे वो सिर्फ ये सोचते हैं कि इसमें जो है वो मेरा दिल मुझे कहता है कि मैं इस प्रोफेशन में जाऊँ तो फिर जब वो उस प्रोफेशन को एज आ प्रोफेशन एडॉप्ट करते हैं फिर क्या होता है इन द लॉन्ग रन फिर वो पछताते हैं तो यही बात ऑथर ने कही है कि आपको कोई भी करियर एडॉप्ट करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोचना है ना सिर्फ आपने अपनी मर्जी देखनी है बल्कि आपने मॉनिटरी बेनिफिट्स भी देखने हैं अगर किसी कोई ऐसा काम है जो कि आपको पसंद है आप उसको एज आ हॉबी एडॉप्ट कर सकते हैं ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ देम बिकम पॉपुलर एंड सक्सेसफुल इन सच प्रोफेशन इसका बस कुछ हिस्से ही होता है जो कि वाकई में सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो सक्सेसफुल नहीं होते यंग मस्ट नाट बुट एट स्टेक हिज फ्यूचर ऑन सच करियर इन विच द चानसेज ऑफ सक्सेस आर लिटल तो फिर आपके अपनी ज़िंदगी को रिस्क नहीं करना एक यंग मैन को जो है वो सोच समझ के फ़ैसला करना है वो अपनी ज़िंदगी को दाव पे ना लगाए किसी ऐसे प्रोफेशन को चूज़ करके जिसमें उसके पास अर्निंग ना हो और बाद में जाके उसे पछताना पड़े तो उसने बहुत सी मिसालें दी ऐसे लोगों की लेकिन ऐसा नहीं है कि उस प्रोफेशन में लोग कामयाब नहीं हुए हैं उनका कुछ हिस्सा कुछ फ्रैक्शन ठीक है एक छोटा सा उनका रेशो है जो कि कामयाब हुए हैं मेजॉरिटी को आप देखें कि मेजॉरिटी अगर कामयाब हुई है तो फिर आप उस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं लेकिन अगर मेजॉरिटी जो है वो पैनेलेस हुई है और वो अनसक्सेसफुल करियर उनके लिए साबित हुआ है तो फिर उस फैसले को लेने से पहले अच्छी तरह सोचा जाए बट वंस द चॉइस इज़ मेड लेकिन एक दफ़ा जब आपने चॉइस बना ली वन शुड डू पुट वंस हार्ट इन टू इट फिर उसके बाद आपने दिल जान से उस पर मेहनत करनी है पहले सोच समझ के पहला स्टेप आप सोच समझ के कोई भी प्रोफेशन अडोप्ट करें उसके बाद आप ये ना सोचें नहीं अब, अब क्या होगा ये तो मुझे ये लग रहा है ये तो मुझे वो लग रहा है नहीं एक दफ़ा जब आपने फैसला कर लिया फिर आपने हर तरह से उसमें मेहनत करनी है ही माइट गेट बोर्ड एट टाइम्स वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ कभी ऐसा भी होता है कि वो बोर हो जाता है जब आप एक ही काम मुसलसल करते चले जाएँ तो ये ह्यूमन नेचर है कि ऐसा टाइम भी आता है जब आप बोर हो जाते हैं एंड इवन लूज़ हार्ट और इवन आप जो है वो मायूस हो जाते हैं बट ही हैज़ टू कर्ब द फीलिंग्स ऑफ डेस्पेयर दैट अराइज़ इन हिज़ माइंड लेकिन उन फीलिंग्स को उसने जो है वो लगाम देना है होल्ड में रखना है कहीं ऐसा ना हो कि वो फीलिंग्स उसको ड्रैक करें बल्कि नहीं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना है क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप कोई प्रोफेशन चूज़ करते हैं फिर आप उससे बेजार भी हो जाते हैं He must face courageously the difficulties that come in his way. और कोई भी profession आसान नहीं होता profession तमाम professions के रस्ते में जो है वो बहुत से मुश्किल आती हैं तो फिर उसने जो है वो courageously जरूरत मंदाना तरीके से उनको face करना है and must not lose heart. There are some fickle-minded people who shift from profession to profession. अब last में जाके वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो कि प्रोफेशन टू प्रोफेशन शिफ्ट होते जाते हैं आज वो कोई काम कर रहे हैं कल कुछ दिनों के बाद वो फिर कोई और काम स्टार्ट करेंगे कि नहीं इसमें जो है वो नहीं हो रहा फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो फिर कोई और काम स्टार्ट कर देते हैं तो इनको फिकल माइंडेड इस वजह से कहा है कि इनका माइंड जो है वो बदल रहा है प्रोफेशन टू प्रोफेशन किसी और का प्रोफ़ेशन देखा नहीं इसका प्रोफेशन अच्छा है और उसको अडॉप्ट कर लिया कुछ टाइम गुजरा उसकी मुश्किल जब देखी नहीं नहीं मुझे ये प्रोफेशन सूट नहीं कर रहा मैं तो कोई और प्रोफेशन की तरफ जाऊंगा तो फिर वो ये कह रहा है कि सच रोलिंग स्टोन्स नेवर अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ इस तरह के लोग कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते इट्स अ प्रोवर्ब रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मोर्स तो वो जो रोल करते जाते हैं एक प्रोफेशन से तो वो जड़े नहीं पकड़ते ठीक है पर जैवरेंस इज़ द की टू सक्सेस साबित सक्सेसमी जो आपने किया अब आपने उस पर सबित कदम रह, रहना है तभी आप सक्सेसफुल रह सकते हैं एंड टनसिटी ऑफ पर्पज इवेंचुअली बीर्स द फ्रूट और फिर क्या होगा जब आप सबित क़दम रहते हैं इस तकामत पे, इस तकामत के साथ उस पर मेहनत करते जाते हैं डिफिकल्टीज को फेस करते हैं फिर क्या होता है कि आपके लिए वो फल लगता है जो कि आप चाहते हैं वी मेक many examples of ऑफ सच पीपल हु हैड their career करियर इन इवेंचुअली the fruit. द फ्रूड वी मेक examples of such ऑफ सच पीपल their करियर इन अनफेवरेबल सरकमस्टांसिस तो ऐसे लोगों के भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अनफेवरेबल सरकमस्टांसिस में मुश्किल में अपना करियर स्टार्ट किया येट दे अचीव्ड देयर गोल्स बाई शेयर डेंट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग वेल लेकिन उन्होंने अपने गोल्स अचीव कर लिए जब भी आप कोई करियर अडोप्ट करते हैं तो आपके कुछ गोल्स होते हैं इन लोगों ने अपना करियर उस टाइम स्टार्ट किया जहाँ पे उनके लिए कुछ भी फेवरेबल नहीं था लेकिन मेहनत से उन्होंने अपने तमाम गोल्स जो है वो हासिल कर लिए और एग्ज़ाम्पल है अब्राहम लिंकन की जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वाज द सन ऑफ अ पुअर फार्मर बहुत गरीब एक हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे और उनके वालद जो है वो किसान थे और बहुत गरीब किसान थे चूज टू बिकम अ लॉयर और फिर उसने फैसला क्या किया कि वो एक लॉयर बनेगा एन पुट हिज होल हार्टेड एफर्ट्स इन टू दिस प्रोफेशन और फिर उन्होंने क्या किया दिलों जान से मेहनत की और फिर ग्रेजुअली ही बिकेम पॉपुलर अमंग द मास्टर्स और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो लोगों में मकबूल होना शुरू हो गए ने पसंद करने लगे एन इवेंचुअली ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फिर क्या हुआ कि वो प्रेसिडेंट बन गए, गया उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया जब उनके लिए सरकम बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं थे उनके वालिद किसान थे और उस वक्त उन्होंने ये फैसला किया कि वो लॉयर बनेंगे लेकिन फिर मुसलसल मेहनत से कहाँ पहुँचे वो प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका बन गए कायद अज़म वॉज़ सन ऑफ अ मर्चेंट और कायद अज़म के ज़माने में भी क्योंकि लास्ट सेंचुरी में मोस्टली यही होता था जो उनके वालद का प्रोफेशन होता था वही बेटों का भी होता था तो कायद अज़म के वालद भी जो है वो मर्चेंट थे ताजर थे ही ऑल्सो चोज़ सेम प्रोफेशन और उन्होंने भी लॉयर बनने का फ़ैसला किया When ही entered द arena ऑफ पॉलिटिक्स और फिर जब वो पॉलिटिक्स के एरिना में दाखिल हुए तो फिर क्या हुआ ही डिवोटेड himself टू द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम नेशन फिर उन्होंने अपना रास्ता अलग बनाया मुस्लिम नेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया उनकी भलाई के लिए फलाह व बहबूद के लिए ही वॉज दैन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फिर क्या हुआ कि लॉयर बनने के बाद जब उन्होंने अपना पोलिटिकल करियर स्टार्ट किया मुसलमानों के लिए काम करना शुरू किया और फिर वो प्रेजिडेंट बने इंडिया मुस्लिम लीग के लेटर ही डिमांडेड अ सेपरेट होम लैंड फॉर इंडियन मुस्लिम एंड इवेंचुअली सक्सीडेड इन काविंग आउट अ न्यू कंट्री पाकिस्तान ऑन द वर्ल्ड मैप और फिर क्या हुआ कि जब वो एक दफ़ा प्रेसिडेंट बने और कुछ किसी पोजीशन पे आ गए फिर उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग मतन का मुतालबा किया और आखिरकार मेहनत से और पॉलिटिकली फ़ाइट करके फिर जाके उन्होंने एक मुल्क हासिल किया जिसका नाम पाकिस्तान था पूरी दुनिया के नक्शे पे वो उभर के आया हिज़ डिवोशन टू हिज़ प्रोफेशन एंड डेडिकेशन to his cause won him the title of the father of the nation और फिर उनकी devotion उनकी मेहनत उनके काम की वजह से आज भी उनको title किस चीज़ का मिला है बाबा कौम का father of the nation का In our country Pakistan, where literacy rate is too low and thus majority of the people are conservative and orthodox. हमारे मुल्क में क्या है लिटरेसी रेट बहुत कम है बहुत कम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर कंजर्वेटिव और आज भी लोग जो है वो क्या पुराने ख्याल के मालिक हैं और उन्हीं कन्वेंशंस uh, को फॉलो करते चले जाते हैं दे उनको ऑर्थोडॉक्स भी कहते हैं या कंजर्वेटिव भी कहते हैं द यूथ आर नॉट अलाउड टू चूज़ द करियर ऑफ़ देयर ओन चॉइस आज भी आपको लगेगा के जो यूथ हैं उसके लिए उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उसका प्रोफेशन क्या होना चाहिए द पेरेंट्स फोर्स फोर्स देयर वर्ड्स टू देयर फैमिली प्रोफेशन और आज भी यहाँ पे क्या प्रैक्टिस हो रही हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो फोर्स करते हैं अपने बच्चों को कि वो उसी प्रोफेशन को अडोप्ट करें दस द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड दर्ड्स रिज़ल्ट इन ईधर पोअर परफॉर्मेंस और कम्प्लीट फेलियर और फिर क्या होता है कि जब वालदे ने फोर्स करके बच्चे का एक करियर में डाल दिया तो बच्चे का जब शौक नहीं होता है तो फिर वो पोअर परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर देता है वो ज़्यादा दिल लगा के नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं है और फिर क्या होता है या तो उसकी परफॉर्मेंस मुतासर होती है उसके कम मार्क्स आना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर कंप्लीट फेलियर कि वो नाकाम हो जाता है उस प्रोफेशन में सच वर्ड्स टेंड टू थिंक ऑफ दम सेल्व एज अ स्क्र पैग इन अ राउंड होल आप खुद सोचें एक राउंड होल यहाँ पे जो एडियम यूज हुआ है आ स्क्र पैग इन अ राउंड होल मीन्स जो लकड़ी है वो स्क्वायर है जबकि उसका होल जो है वो राउंड है अब वो उसमें किस तरह से फिक्स आ सकता है ऑब्वियसली वो फिक्स नहीं आता स्क्वायर की शेप अलग होती है राउंड की शेप अलग होती है वो दोनों